जी आपका नाम बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 38 है और मुझे वेरिकोज है। वेरिकोज आपको कितने टाइम से हो रहा है? अभी 2 and 3 months। 2-3 महीने हो गए। इसके हिसाब से मोस्टली आपको किसी तरह से कोई पेन रिजिस वगैरह हो रहा है? हल्का पेन होता है। तो वेरिकोज मोस्टली आपकी जिस एरिया में, तो लेट मी एटलीस्ट हम देख सकते हैं वेरिकोज जिस आपसे कंडीशन होती है हमारे, यू कैन सी वेरिकोज का छोटा छोटा सा, जिसे कहते हैं स्पाइडर वेंस। तो ये जो कंडीशंस होती हैं इसके अंदर क्लॉटिंग होती है, जो हमारे डाउन टू अपवर्ड्स ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके हिसाब से वेरिकोज की दिक्कत आती है। कपिंग इसमें बहुत अच्छा काम करता है और हम इसको पर्सनली करके बताएंगे किस तरह से ये काम करता है। ये क्लाइंट के हमारे दोनों लेग्स में है, मैंने क्लाइंट के ऊपर कप सप्लाई कर दिए हैं ऑलरेडी, मैं इसको अब डिटॉक्सिफाई करूँगा। जो वेरिकोज वेन दिक्कत होती है मोस्टली हम लोग की लेग्स में ज़्यादा होती है, इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी क्लाइंट के वेरिकोज ऐसी होती है जिसे स्पाइडर वेन्स बोला जाता है। ये जो होती है हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। जो वेन होती है वो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी लोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती हमारे वेन्स की, पंप नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जैम होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होने लगता है और जो नसें होती हैं वो फूलने लगती हैं और ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है इस तरह से। तो मेरे क्लाइंट के ऑलरेडी यहाँ पर हैं, लेग्स में इस तरफ हैं। तो अब इस पर हम लोग कपिंग थेरेपी कर रहे हैं। कपिंग थेरेपी जो क्या करती है, इसमें जब हम ब्लड निकाल देते हैं तो वहाँ पर जो हैवीनेस होती है वो लाइट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और जो वेरिकोज की दिक्कत होती है वो डे बाई डे डिक्रीज होती है। ना ऑलरेडी मैंने क्लाइंट के ऊपर वेट कपिंग कर दी है। वेट कपिंग जो होती है हमारे टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करती है, टॉक्सिसिटी रिलीज़ करने के साथ वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। तो इसी तरह से वेरिकोज वेन की जो दिक्कत है जो ऑलरेडी आप देख रहे हो, इसके अंदर जो ऑलरेडी हमारा ब्लड सर्कुलेशन वीक होने की वजह से जो हमारी वेन्स मोटी मोटी हो जाती हैं वो लाइट होती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बेटर होता है और ज़्यादा बेटर होने की वजह से और वेरिकोज वेन का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। ऑलरेडी अब हमने आपके ऊपर कपिंग कर दी है, वेट कपिंग थेरेपी फॉर योर वेरिकोज। सो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस अपन अबाउट कपिंग कैसा रहा? ठीक रहा। कपिंग में मतलब जो अपना गंदा खून रहता है वो एक क्लॉट के रूप में निकलता है, ऑलरेडी रहता है। तो उसके अंदर पर्सनली कराने के बाद किसी तरह से आपको ऐसा लगा इसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन इंजेक्शन भी लगाते हैं, उस तरह का पेन होता है बस और कुछ। तो इट्स गुड फॉर यू। यस। या।